नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रूपम और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूं दो काफी इंटरेस्टिंग बाइकों के बारे में, दैट इज BA6 TVS Star City Plus एंड दी BS4 TVS Vector, जो कि दोनों ही 110 सीसी की बाइक है। अभी भी Vector का BA6 मॉडल लॉन्च नहीं हुआ और काफी लोग गाड़ी परचेस करने जा रहे, तो पावर के चक्कर में लोग Vector को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन काफी लोग मुझसे पूछ रहे कि दोनों गाड़ियों में से ले कौन सा, तो दोस्तों आखिर तक वीडियो देखना बिल्कुल भी मत मिस करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर उसको क्लिक करके ग्रे में कन्वर्ट कर देना, एंड उसके बाद बेल आइकन उसको भी क्लिक कर देना, नहीं तो कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसे दूसरी कंपनियों ने अपने टू व्हीलर्स को BS6 नॉर्म्स को हिट करने के लिए अपनी गाड़ियों को और पोर्टफोलियो को धीरे धीरे चेंज किया BS6 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, सेम उसी कैटेगरी में आपको मिलती है TVS Star City Plus BS6 मॉडल में, जो कि आपको BS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलती है। इसका जो प्राइस है वो 7000 आपको ज्यादा देखने को मिलता है BS4 के कंपेरिजन में, दैट मीन 54 से 55 के बीच में इसका प्राइस आता है। लेकिन इस प्राइस पॉइंट में आपको TVS Vector मिलती है, जो कि पावर आउटपुट ज्यादा देखने को मिलता है BS6 के स्टार सिटी के कंपैरिजन में। तो अब कहानी आती है कि दोनों में से कौन सी ले। सबसे पहले बात करो दोनों गाड़ियों के डिजाइन और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं स्टार सिटी प्लस BS6 वाले मॉडल में, तो इसमें कुछ अपडेट्स आपको ज्यादा देखने को मिलता है। पहली चीज तो आपको फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलता है, सेकंड आपको गाड़ी काफी प्रीमियम देखने को मिलता है, थोड़ा क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिलता है, थर्ड इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है LED हेडलाइट, जो कि आपको Vector में नहीं देखने को मिलता है। इस गाड़ी का राइडिंग पोस्टर ऑन एंड ऑन एडिक्यूट देखने को मिलता है, इसमें आपको डुअल टोन कलर देखने को मिलता है, डिस्क ब्रेक ऑप्शन नहीं है, ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, एंड पूरा का पूरा आपको ब्लैकआउट थीम देखने को मिलता है। रियर एंड में बात करूं तो टेल लाइट आपको कन्वेंशनल देखने को मिलता है और राइडिंग पोस्चर ऑन एंड ऑन एडिक्यूट है। भाई अगर मैं बात करूं TVS Vector की BS4 वाले मॉडल की, तो यहां पे आपको LED हेडलाइट तो नहीं मिलता, लेकिन हेडलाइट के नीचे आपको DRS देखने को मिलता है, जो आपको स्टार सिटी में नहीं देखने को मिलता है। एनालॉग पार्ट डिजिटल आपको इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है, राइडिंग पोस्चर काफी अच्छा है। जो इंजन है वो आपको थोड़ा प्रीमियम देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें गोल्ड फिनिश देखने को मिलता है, आपको स्टार सिटी में और ब्लैकआउट थीम देखने को मिलता है, और इसमें थोड़े बहुत क्रोम फिनिश आपको देखने को मिलता है इवन साइलेंसर वाले पार्ट में भी। रियर एंड की बात करूं, इसमें टेल लाइट काफी अच्छा है और इसका जो सेटिंग पोस्चर है अगेन आपको कंप्यूटर टाइप की देखने को मिलती है। तो अगर मैं डिजाइन एंड फीचर की बात करूं तो थोड़ा अच्छा है स्टार सिटी कुछ चीजों में, लेकिन कुछ चीजों में आपको Vector आपको अच्छा लगेगा। लेकिन ऑन एंड ऑन ये एक आपके सब्जेक्टिव पार्ट है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या डिजाइन और फीचर पसंद है। मेन मुद्दे की बात आती है इस गाड़ी की, दोनों गाड़ियों के पावर फिगर की और बोले तो इंजन स्पेसिफिकेशन की। दोनों ही गाड़ी में आपको 109.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, लेकिन आपको स्टार सिटी में फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलता है। Vector में आपको कार्बोरेटेड इंजन देखने को मिलता है, लेकिन स्टार सिटी का पावर आउटपुट थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ BS6 नॉर्म्स। इसमें आपको पावर आउटपुट देखने को मिलता है 8.19 bhp का पावर आउटपुट एट द रेट 7350 rpm, और जो टॉर्क इस गाड़ी में देखने को मिलता है वो भी थोड़ा कम हो गया है, दैट इज 8.7 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क एट द रेट 4500 rpm। और वही अगर Vector की कार्बोरेटेड वाले वेरिएंट की बात करो तो यहां पे आपको पावर देखने को मिलता है 9.5 bhp का पावर आउटपुट एट द रेट 7500 rpm, और जो टॉर्क इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है दैट इज 9.4 bhp का पावर आउटपुट एट द रेट 6000 rpm। दोनों ही गाड़ी में आपको 4 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलता है, लेकिन जहां टॉर्क एंड पावर आपको थोड़ा रेवरेज में देखने को मिलता है TVS Vector में, वही आपको स्टार सिटी में इनिशियल में ही मिल जाता है। तो इवन काफी लोड होने के बावजूद भी आप स्टार सिटी में काफी अच्छी पुलिंग कर सकते हैं इनिशियल में, Vector में थोड़ा एक्सेलरेशन ज्यादा देना पड़ेगा वही पावर को पाने के लिए। अब बात आती है दोनों गाड़ी के साइकिल पार्ट्स और बोले तो इसके अंडरपिनिंग क्या देखने को मिलता है। दोनों ही गाड़ी में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क देखने को मिलता है, पीछे आपको डुअल सस्पेंस सेटअप देखने को मिलता है, 5 स्टेप एडजस्टेबल दोनों ही गाड़ी में देखने को मिलता है, दोनों ही गाड़ी में आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने को मिलता है एंड सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम, जिसको हम हमारे लैंग्वेज बोलते हैं कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, जो कि दोनों गाड़ियों में आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। लेकिन Vector में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक वाला भी एक ऑप्शन है जो आप ले सकते हैं, उसमें भी आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम एज अ स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। और गाड़ी के हिसाब से देखा जाए तो पावर फिगर पे जाएंगे तो आपको Vector काफी ज्यादा पसंद आएगी, लेकिन आपको डुअल टोन कलर चाहिए, थोड़ा LED हेडलाइट चाहिए, फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए, देन स्टार सिटी इज मच बेटर देन TVS Vector। और TVS Vector अभी BS4 से BS6 आने में थोड़ा सा टाइम है, अगर वहां तक रुक सकते हो तो वेल एंड गुड, Vector थोड़ा अच्छा अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं रुकना और अभी प्रेजेंट में आपको चाहिए देन TVS Star City इज मच बेटर, फ्यूल इंजेक्शन मिलता है, स्मूथनेस काफी अच्छी हो जाती है, सबसे पहली चीज तो स्मूथनेस, एमिशन ज्यादा नहीं होगा और एवरेज भी आपका ज्यादा बढ़ जाएगा, पहले भी ज्यादा था और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टार सिटी काफी अच्छा पैकेज बन जाता है TVS Vector कंपैरिजन में।
सो फ्रेंड कैसा लगा इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट बोट द बाइक और आप लोग का कंफ्यूजन शायद मैंने दूर कर दिया है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना। और ये दोनों गाड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल सुझाव कुछ भी हो प्लीज ये जो इंस्टाग्राम का जो हैंडल है उसको फॉलो करिए विद इन 24 आवर्स विद इन 48 आवर्स अगर आपको मैसेज किया तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। टिल देन आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट रिव्यू कुछ भी सेट। टिल देन बाय एंड चाओ।